मैं हूं पायल गुड़ियाल। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। सुपर 30 ने अपने पहले 5 दिन में 64.7 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसी के साथ फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल ये फिल्म ऋतिक रोशन के करियर की 8वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। इसने ये खिताब जोधा अकबर और मोहन जोदाड़ो को पछाड़ कर अपने नाम किया है। बता दें कि आशुतोष गवारी करके डायरेक्शन में बनी जोधा अकबर ऋतिक रोशन के करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। इसमें उन्होंने अकबर का किरदार निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 62.8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इसके अलावा ऋतिक मोहन जोदाड़ो ने बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ का कारोबार किया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन सुपर 30 ने इन दोनों ही फिल्मों को पीछे छोड़ ऋतिक का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स को भी ये फिल्म पसंद आ रही है। बता दें कि ऋतिक ने पूरे 2.5 साल के बाद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। बात करें फिल्म की कहानी की तो ये फिल्म बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि आनंद कैसे गरीब को शिक्षा देते हैं। ये एक इंस्पिरेशन फिल्म है जिसे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। 70 करोड़ में बनी ये फिल्म अपने बजट के पास पहुंच गई है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ऋतिक की सुपर 30 आने वाले दिनों में और कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।